हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे है और मैं उठ गया हूँ क्योंकि आज मैं जाऊंगी गुवाहाटी। तो इसके लिए अब मैं रेडी होंगे। बहुत ठंड है वैसे भी, बाहर पूरा कोहरा है, तो फिर भी निकलना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, निकल कर मिलते हैं फिर से। बाहर कितना ठंडा है, देखो कितना कोहरा है। आप इतने ठंड में जा रही हो तो आप आके सरायघाट दलंग पे हो अभी, सरायघाट ब्रिज में यानी। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है बस में, तो वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पर तो ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि ये शहर है और ट्रैफिक जाम फंसा हुआ हुआ अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ यहाँ से। और मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना मेरी। तो फाइनली मैं जहाँ आई थी वहाँ पहुँच गई हूँ और अब जा रही हूँ पैदल। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नज़ारा शहर का। तो मैं भी लाइफ में पहली बार आई हूँ गुवाहाटी और ये देखिए कितना बढ़िया सा स्टेचू है। तो अब यहाँ से पैदल जा रही हूँ, पता नहीं यार कितना जाना पड़ेगा। मैं पहली बार आई हूँ, मैं नहीं जानती। सामने से मेरी भैया जा रही है, पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। रूम तो पहुँच गई थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी, रेस्ट कर रही थी। तो अब मैं रेस्ट करके उठी हूँ और ये ड्रैगन फ्रूट खाऊंगी अब। मैं ये पहली बार खाऊंगी, आज से पहले नहीं खाया था। पता नहीं कैसा लगेगा टेस्ट। तो मैं अभी तक रेस्ट ही कर रही हूँ क्योंकि सर घूम रहा है पूरा बस का, मतलब गाड़ी का वो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से नेक्स्ट दिन, और कल मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बस में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आते आते वक्त बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। और आज है नेक्स्ट डे, अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, वैसे ही सो रही हूँ, रूम में ही हूँ। और अब थोड़ी भूख लगी थी इसलिए दही के साथ मिठाई खा लिया मैंने। अभी मैं निकल गई हूँ, थोड़ा घूम के आऊँगी। और आज है रिपब्लिक डे, तो सब जनता है यहाँ पर, सब लोग सेलिब्रेशन कर। तो आते आते फंस गई ट्रेन लाइन में। तो अभी मैं आ गई हूँ नदी किनारे घूमने। यहाँ देख सकते हैं पहाड़ और मतलब अभी सूरज भी ढलने का टाइम है। और ये स्टेचू देख सकते हैं, ये आसाम की हिस्टोरिकल है प्लेस। तो यहाँ घूमने आई हूँ, कितना प्यारा नज़ारा है। और मैं नीचे जा रही हूँ यहाँ से, नदी के एकदम पानी के पास जा रही हूँ। तो आज बहुत लोग घूमने आए हैं लेकिन शाम होते होते और भी बहुत लोग हो जाते हैं। यहाँ कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहा है और कुछ लोग मतलब पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं। और ये जो एक छोटा सा द्वीप देख रहे हैं आप लोग, ये है पृथ्वी की सबसे छोटा सा नदी द्वीप है जो हमारे असम में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो नदी के किनारे आए थे अभी और यहाँ पर भी सब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया था। तो सारे और पताका ही पताका है और सनसेट भी हो रहा है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है अभी। और मैं उमानंद के पास ही आ गई हूँ, दिखा देती हूँ अभी आप सबको। आज 26 जनवरी है तो इसलिए ऐसे मतलब पताके उत्तोलन किया हुआ है यहाँ पे। तो आप नदी से घूमकर आ गई हो और रोड के उस तरफ जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा मुझे पूरे ऊपर से होकर यहाँ से। बहुत लंबा है ये क्योंकि पूरे एकदम जो रोड है पूरा क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से ही। ये आप लोग देख सकते हैं एकदम लंबा यहाँ तक मतलब। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ एक मार्केट में जहाँ सभी चीज़ एकदम कम रेट में मिल जाते हैं, जैसे कि सरोजनी मार्केट होते हैं वैसे ही यहाँ की है ये मार्केट, जिसका फांसी बाज़ार भी कहते हैं लोग। यहाँ पर आई हूँ लेकिन आज 26 जनवरी है तो लोग बहुत कम है, नहीं है मतलब थोड़ी बहुत है, मतलब एक दो दुकान खुला हुआ है बाकी बंद है।
तो एक दो दुकान खुला हुआ था तो मैंने थोड़ा बहुत ले लिया सामान, बाकी देखते हैं कल भी आऊँगी यहाँ तक। तो अभी घर जा रही हूँ, पूरा घर की नज़दीक आ गई हूँ। अभी कुछ यहाँ से खरीद लेंगे खाने के लिए, तो यहाँ से चिकन खरीद रही हूँ आज के लिए। तो अभी चिकन बनाऊँगी खाने के लिए। तो कल मैं घर आकर वीडियो बनाना भूल गया था, फिर खाना बिना खा के सो गया था क्योंकि थक गई थी इसलिए। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।